हमारे साथ कोल्हापुर से शांतिनाथ जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, एक्चुअली सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने IEX के 100 क्वांटिटी शेयर्स बाय कर ली थी 244 रेट पे, 244 पे, और तकरीबन मतलब उसके बाद यूक्रेन वॉर से वो जिसमें उसमें गिरावट आई है ना, कंपनी तो प्रॉफिट में लग रही है लेकिन फिर भी लॉस में जा रहा है शेयर, तकरीबन 8-9 हजार के लॉस पे है अभी। तो अभी इसका फिलहाल फ्यूचर क्या है और उसको क्या करना चाहिए मेरे को, मतलब अभी उसको सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, मतलब वैसे ही रखना चाहिए होल्ड पे? ओके, तो IEX पर है मानस, इनका सवाल, समय दिया है इन्होंने स्टॉक को, 244 की इनकी खरीदारी, 155 पर ट्रेड कर रहा है, 88 रुपए का नुकसान है इनको फिलहाल हर स्टॉक पर, क्या करेंगे? आई थिंक बने रही है क्योंकि मंथली चार्ट पे रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं। डेली चार्ट पे अभी कुछ समय पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है स्टॉक ने, अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 140 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ बात करें तो मंथली चार्ट पे रिवर्सल का साइन देखने को मिला है जिसके आधार पे आप 200-220 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं, तो आप फिलहाल के लिए बने रहिए, 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए।